अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ आपको। 1.5 मीटर्स का फैब्रिक चाहिए, जिसकी लेंथ 21 इंचेस होगी और विड्थ इसकी तकरीबन हम मेजर करके आपको बता देते हैं 20 इंचेस इसकी आपने विड्थ लेनी है, ठीक है। लंबाई आपकी 21 है और चौड़ाई आपकी 20 इंचेस है। दो पीस है मेरे पास ये, ठीक है। कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, जिस कपड़े की बनाना चाहते हैं आप। जिस आप बच्चे की बना रहे हैं उसकी जो शर्ट है उसको ऊपर रख के आप पहले चॉक से, ये टेलर चॉक होता है जिससे आप मेजरमेंट लगाते हैं और ये बहुत आसानी से फिर धुल भी जाता है, वॉश भी हो जाता है। सो आई एम यूजिंग दिस। अब एज़ यू नो कि हमें नीचे और ऊपर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना पड़ता है स्टिचिंग के लिए, तो अगर आप इसकी लेंथ करें यहाँ से तो तकरीबन 21 इंचेस बन रही है। तो मैं इस तरह करूँगी कि ऊपर से मैं तकरीबन 3 to 4 इंचेस मैं इसको काट दूँगी, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली अ स्ट्रिप शर्ट। सो आई एम कटिंग एटलीस्ट 4 इंचेस ऑफ द फैब्रिक ऑन द अपर साइड ऑफ द शर्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स लगानी है। तो 17 इंचेस हमारे पास आपके कपड़ा रह गया है, ऊपर स्ट्रिप्स आ जाएंगी 3-4 इंचेस की, तो आपकी लेंथ दोबारा से 21 इंचेस हो जाएगी जितनी आपको लेंथ चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसकी कटिंग किस तरह करनी है। इस तरह फ्रेंड्स आपने काट लिया, इसको प्रेस कर लीजिएगा कपड़े को पहले। अब आप देख सकते हैं आपके पास ये तैयार हो चुका है, ऊपर स्ट्रिप्स लग जाएंगी। स्ट्रिप्स की लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी विड्थ तकरीबन 2 इंचेस है और लेंथ इसकी 28 to 29 इंचेस आपने ले लेनी है, ठीक है। ये भी नेट का ही फैब्रिक है, और ऑर्गेन्जा भी आप यूज़ कर सकते हैं, नेट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कॉटन की बनाना चाहते हैं किसी और की वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की अगर आप ऊपर रख के लेंथ करेंगे तो आपके पास सेम वही आएगी। अब आपने नेट का कपड़ा ले लेना है। मैं दो कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ, यू कैन चूज़ एनी टू कलर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स और ऑफ़ द सेम कलर नेट। तो अगर आप शर्ट को मेजर करें, 16 इंचेस इसकी लेंथ है, 16 में आप ऐड कर दें 10 इंचेस और तो ये बन जाएगा, ठीक है। तकरीबन मैंने 16 में 10 इंचेस और ऐड करके दो बड़े स्ट्रिप्स ले लेने हैं, विड्थ जिसकी 7 इंचेस होगी। अब ये जो जाली का कपड़ा है ये मैं दो यूज़ करूँगी, ठीक है। 1, 2 ये आपका एक्चुअली एक पीस बन गया, तो 16 इस तरह के आप बना लें, ठीक है। 32 आपने इस डार्क कलर के बनाने हैं, पर्पल कलर के, और लाइट पर्पल के भी 32 आपने स्ट्रिप्स ले लेनी है, जिसकी लेंथ है आपके पास तकरीबन आपके पास 28 इंचेस लेंथ आई थी और विड्थ जो है वो 7 इंचेस आई थी। तो मेरे पास 32 ये हैं और 32 दूसरे नेट के कपड़े के हैं, क्योंकि मैं दो पीसेस का इस्तेमाल करूँगी। ये फ्रंट साइड पे और बैक साइड दोनों साइडों पे फ्रॉक्स पे आपने लगाने हैं। अब हमने इसका करना क्या है, अब हमने सिंपल डिज़ाइन बना के इसको आप काट लेना है, ठीक है। इस तरह फ्रेंड्स आपने अच्छे से डिज़ाइनिंग करके और इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। याद रखें ये आपकी फुल फ्रॉक को कवर करेगी, ठीक है। दीज स्ट्रिप्स शुड बी ऑन बोथ साइड, लाइक ऑन द फ्रंट साइड एंड ऑन द बैक साइड एज वेल। सो आई एम टेकिंग 32 ऑफ दिस डार्क पर्पल कलर एंड 32 स्ट्रिप्स ऑफ लाइट पर्पल कलर, बिकॉज आई विल यूज 2 स्ट्रिप्स टुगेदर। और आगे साइड पे आपके पास 5 आप लगाएंगे लेयर्स, और पिछली साइड पे भी आप 5 लेयर्स लगाएंगे। अब आप इनको कट कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम आपने जो आपके पास लाइट पर्पल कलर है उसको भी आपने सेम इसी तरह बना के और आपने काट देना है। मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसको लगाएंगे कैसे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऊपर हम स्ट्रिप्स लगाएंगे, नीचे आपने तकरीबन 2 जो है वो पीस लेने हैं, ठीक है। नेट क्योंकि बहुत पतली होती है, फिर ये ज़्यादा अच्छी तभी लगेगी जब हम इसके 2 पीसेस यूज़ करेंगे। यहाँ आपने लगाना है, फिर आपने तकरीबन 3 फिंगर्स का गैप करके आपने दूसरा स्ट्रिप यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। इसी तरह हम 4th, 5th और तकरीबन 5 लगाएंगे। उसके अलावा हम एक बड़ा सा फ्लावर बनाना सिखाएंगे आपको नेट का, जो कि आप एंड में बना देंगे। अब ये फ्लावर के लिए मैंने अलग से स्ट्रिप ले लिया, जिसकी लेंथ तकरीबन 28 इंचेस है और विड्थ इसकी 3 इंचेस है। तो इस तरह की 2 स्ट्रिप्स लेके आपने उसे वी शेप में काट देना है। दिस इज़ एक्चुअली फॉर मेकिंग द फ्लावर। आई एम जस्ट शोइंग यू दैट व्हाट यू हैव टू डू विद दिस। टेक 2 स्ट्रिप्स ऑफ 28 लेंथ एंड विड्थ 3 इंचेस।
इस तरह मैं आपको एंड में फ्लावर बनाना सिखा दूंगी जो कि हम फ्रॉक के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले तो ये देखिए मैंने पाइपिंग कर ली है दामन की। दामन की पाइपिंग करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो लगाना शुरू करने हैं स्ट्रिप्स। तो बहुत गौर से देखिएगा कि आपने स्ट्रिप्स को किस तरह इसके ऊपर लगाना है। बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक आपकी तैयार हो जाएगी। अब थ्री फिंगर्स का गैप छोड़ के आपने पहली स्ट्रिप लगानी है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू टेक द टू स्ट्रिप्स टुगेदर और इसको बैक साइड पे रख के आपने इसको लगा लेना। ये मैं फ्रंट साइड पे ही सारा करूँगी और इसको फिर मैं दूसरी साइड पे टर्न करूँगी तो आपकी स्टिचिंग नज़र नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द फ्रंट साइड ऑफ द शर्ट। फ्रेंड्स आपने जो लास्ट स्ट्रिप लगानी है वो किस तरह लगानी है। ऑलरेडी आप फोर स्ट्रिप्स लगा चुके हैं। अब ये जो स्ट्रिप है ये आपने बैक साइड से स्टिच करनी है। ठीक है, जो फ्रंट पे है ये आप देख सकते हैं, जस्ट मेक द फर्स्ट स्ट्रिप फ्रॉम द बैक साइड। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी आपको लुक आ जाएगी, फिर इसकी एक नीट एंड क्लीन लुक आ जाएगी, तो इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह मैं फर्स्ट स्ट्रिप लगा देती हूँ। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर विल बी डन ऑन द सेकेंड बैक साइड ऑफ द शर्ट। ठीक है, सेम इसी तरह आपने उसको भी स्टिच कर लेना है और फिर हम इन दोनों को आपस में जोड़ के इनके साथ हम स्ट्रिप्स लगा लेंगे। दोनों साइडों को मैंने तैयार कर लिया, अब मैं स्ट्रिप्स को तैयार कर लूँगी। आपको मैं बता चुकी हूँ इसकी लेंथ और विड्थ कितनी होगी। साइडों से आप हल्की हल्की सी पाइपिंग कर लें और इस तरह आप इसको दो स्ट्रिप्स को तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स स्ट्रिप्स तैयार हो चुकी हैं, दोनों बैक साइड और फ्रंट साइड भी रेडी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने बैक साइड भी तैयार कर ली है। अब हम इन दोनों को आपस में स्टिच करेंगे, इनकी स्ट्रिप्स लगाएंगे और आपकी जो फ्रॉक है वो रेडी हो जाएगी। एंड में मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगी जो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक आपकी
तैयार हो जाएगी। बहुत इजी है, बहुत ही लेस टाइम में बन जाती है, तो यू शुड ट्राई दिस एट होम। नाउ फ्रेंड्स, अब आप स्ट्रिप्स तकरीबन नाप लेके एटलीस्ट 4 इंचेस या 3 इंचेस जितना आपकी बच्ची का साइज़ है उसके मुताबिक आप देख के और आप स्ट्रिप्स को दोनों साइडों से अटैच कर लीजिए, ठीक है। इस तरह आपकी फ्रॉक जो है वो रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम आपको फ्लावर बनाना सिखाने लगे हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 28 इंचेस लेंथ और विड्थ तकरीबन 3 इंचेस लेके आपने दो स्ट्रिप्स इस तरह वी शेप में काट लेनी है और फिर आपने उसका फ्लावर बनाना है जो कि हम इस फ्रॉक के ऊपर लगाएंगे। आप कोशिश करें कि कलर ऐसा यूज़ करें जो उसके ऊपर प्रोमिनेंट नज़र आए, ठीक है। मैंने दो कलर्स का कंट्रास्ट किया है, आप चाहे तो आप 3 कलर्स का कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप डिफरेंट कलर्स का कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। जैसे रेनबो होता है तो 5, 6, 7, जिस तरह मैंने 5-5 लगाए तो आप 5 डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह का फ्रॉक जो है वो बनाना चाहते हैं। मैंने 2 कलर्स का कंट्रास्ट किया है। ये फ्रेंड्स, आपका फ्लावर तैयार हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर बीड्स लगा देने हैं, ठीक है। इसको हम ग्लू गन से लगाएंगे। ग्लू गन से चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो लगती है, और ग्लू गन मोस्टली जो कपड़ों वगैरह फैब्रिक पे जो आप चीज़ें लगाते हैं वो ग्लू गन से ही लगाई जाती है। देखिए, मैंने फ्लावर भी ग्लू गन से अटैच कर लिया। उसके अलावा आप इसके स्ट्रिप्स पे देखें, यू कैन सी द बीड्स ऑन द स्ट्रिप्स, एंड ये आपने अटैच किस तरह करें, ग्लू गन से आप इनको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक आपकी रेडी हो चुकी है। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। ईजी भी है और बहुत कम टाइम में बन जाती है, तो आप इसको बहुत ईजीली घर पे बना सकते हैं। अगर आपको ये स्टाइल और ये फ्रॉक अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बताएं आपको कैसी लगी, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है, इसलिए प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।